यार पिज्जा कब तक ट्राइंग करती रहोगी? बाहर चलने का कोई प्लान करो जल्दी। प्लान? सही कह रहे हो बेटा, आज संडे है और बाबा भी अंदर सो रहे हैं। तो संडे यार, मैं क्रिकेट खेलने जाना है दोस्तों के साथ। आ लो बेटा, मैं जा रहा हूँ फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेलने। यार भाईजान की कितनी खुली छूट है। यार देखो सही, क्रिकेट खेलने भी चले गए। हाँ और हम? यार पिज्जा मुझे गुस्सा आ रहा है, बाबा कब तक सोए रहेंगे? 2 बज गए अभी तक बाबा उठे ही नहीं है, क्या करना है? सही कह रहे हो यार, अब इतनी देर तो बाबा ने सो ली है। हाँ कुछ तो करो। आया ऐसा करते हैं, बाबा भी सो रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा सा शोर शराबा करते हैं तो इससे बाबा भी उठ जाएंगे, और जब उठेंगे तो उनसे हम कहेंगे कि हमें बाहर ले जाएं। बिल्कुल सही बात की, चलो जाके शोर कर, यहीं बैठ के करते हैं ना। चलो नीचे बैठ के खेलते हैं। चलो ये सुपंजो हार कबूतर खेलते, ठीक है? ठीक है मैं पंजू। ओके चलो। यसु पंजू हार कबूतर डाली, यसु पंजू हार कबूतर, कबूतर कोई नहीं है, कबूतर है। चलो फिर से। ये यसु पंजू हार कबूतर डाली डाली डाली। अब डाली तो नहीं थे, मैं डाली था। यसु पंजू हार कबूतर डाली, डाली तो आयान था। पापा रहमतुल्ला डाली मार दिया। चलो चलो नहीं मार दोबारा। संडे का दिन होता है रेस्ट करने का, उस दिन भी ये लोग स्पून नहीं। कबूतर कबूतर भी कोई नहीं है। चलो हरे अब मेरी बारी मार खाने की। चलो मैं पहले। कोई हाल नहीं इन बच्चों का, मामा इनकी खुद तो बाजार चली गई और इनको मेरे सर पे सवार कर दिया। एक संडे स्कून का होता है, वो भी इन्होंने मेरा खराब कर दिया। उई आराम से। चलो करीब ऐसा करते हैं, जैसे बाबा आएंगे ना हम बाबा से कहेंगे चले बाबा हमें पार्क के चले। ठीक है उई। क्या मसला है बच्चों आप लोगों को? एक संडे का दिन तो होता है बेटा रेस्ट करने के मेरे, और वो भी आप लोगों ने खराब कर दिया। शोर कर कर कर। वो बाबा 2 बज गए थे तो इसलिए हमें लगा आपकी नींद पूरी हो गई होगी तो फिर हम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। कहां से नींद पूरी हो गई फिजा? सुबह आपकी मामा को शॉपिंग याद आ गई, उठा दिया मुझे, पैसे दे दे मैंने बाजार जाना है। जब एक दफा आंख खुल जाए फिर नींद आती है कुछ जल्दी। बेटा अभी तो मेरी आंख लगी थी और आप लोगों ने शोर मचा बचा के मेरा नींद मेरी सारी खराब कर दी है। चले कोई बात नहीं बाबा, अब तो आप उठ गए तो ऐसा करते हैं हम लोग भी बाहर चलते हैं। अमेजिंग। बेटा जी मैं सोने की एक दफा फिर कोशिश कर लूंगा, ठीक है? लेकिन आप लोग मेहरबानी करके शोर ना कीजिएगा, अगर शोर बंद नहीं कर सकते तो ये रास्ता है ऊपर जाने का, ऊपर चलते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ऊपर चले ही जाएं ताकि मैं जाके सोना सो जाऊं, ठीक है? हैं? क्या वाकई हम ऊपर चले जाएं? ये रास्ता ऊपर जाता है। ऊपर आके क्या करें? हर हाइड एंड खेलते हैं। नहीं यार हाइड एंड सीख नहीं। फिर वो खेलते हैं पकड़म पकड़ाई। हाँ पकड़म पकड़ाई कोना कोना खेले। हाँ कोना कोना खेलते हैं। चलो ठीक है वो खेलते हैं। कौन सा होंगे ऐसे करते हैं, एक ये वाला, एक ये दरवाजे के साथ वाला और एक वो वाला, बस 3 कोने। ओके ठीक है ठीक है। चलो हम है भी तो 3 ही ना। आप बारी डाल दी। ओके वेट। हां चलो ठीक है बारी। हम लोग रॉक पेपर सीजर करते हैं। नहीं रॉक पेपर सीजर करते हैं, इससे तो खुला भी हो जाएगा ना। चलो ठीक है रॉक पेपर सीजर। आई भी जा रही हूं, मेरी बारी है, जल्दी भाग के जा। यार ये क्या हो गया है? ऊपर भेजा तो इन्होंने ऊपर घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। उई क्या हो रहा है ये? पंक इनको दिमाग से तकलीफ पड़ेगा।
सारी नींद का सत्यानाश कर दिया। क्या हो रहा है ये? अरे बच्चे क्या हो रहा है ये? पापा बच्चे हैं क्या है ये? वो पापा हम तो खेल रहे ना। हाँ मेरे ऐसा होता है ये। आपरी तो काटो ऊपर आ जाओ। बेटा मैंने आपको ऊपर जाने को कहा था कि जाके कुछ सुकून से खेलो, कि उधम मचाने को चिड़ियाघर बनाने को नहीं कहा था। कमरे का हाल देखो क्या किया हुआ आप लोगों ने, और उसके बाद आपकी जैसे कुछ जलजला आ गया। सॉरी बाबा। सॉरी बाबा, सॉरी करते रहना, बात ना समझना कोई। अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और दोबारा मुझे कोई आवाज किसी की ना आए तो शराबा ना हो। अब आप दोबारा सोने जा रहे हैं? जी सोने का दिया मुझे आप लोगों ने। बाबा कितना सोते हैं? चलो मुझे लगता है कि आ गई आपकी मामा, संभालेंगे वही आपको। लेकिन आप जो सोने की मुझे उम्मीद नजर आ रही थोड़ी सी, मुझे लगता है वो भी नहीं सो सकूंगा। अच्छा फिर से मैं हम तीनों खेल रहे थे तो फिर तीनों। अच्छा चलो सेम ही करेंगे ना। मैं करती हूं नहीं। चिड़ी उड़ी कब उड़ा उड़ा क्या उड़ा उड़ा आया आया मैं उड़ गया दोबारा दोबारा आगे रंगे। अब मैं इस बार मैं इस बार चिड़ी उड़ी नहीं मैं हम करेंगे चिड़ी उड़ी उड़ी गाड़ी उड़ी भैंस उड़ी हरी उड़ी टटे लड़ा। ये तो जम्मे आ रहे तुमने सबसे पहले। अच्छा हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन चलो अगर आप बोर हो रही हो तो ऐसा करो नीचे जाके ना पानी ले आओ। हाँ ठंडा लाना। चलो चलो जल्दी जाओ, भाग के जाओ भाग के जाओ, जल्दी जाओ जब तक हम लोग। उठो जल्दी चल भैया चलो। गाड़ी भैंस गाड़ी भैंस ये क्या तो गाड़ी भैंस। चिड़ी उड़ी उड़ी कवा उड़ा उड़ा भैंस उड़ी उड़ी मैंने कुछ उड़ी भैंस उड़ी। ओ तेरी लगता रही से कुछ छूट गया, भैंस गई पानी में। क्यों करे? हाँ भाई आपने डायलॉग भी गलत बोला है, भैंस गई पानी में नहीं, गई भैंस पानी में होता है। लेकिन इसको छोड़ो अब क्या करे पता नहीं को पापा ने देख लिया। चलो जल्दी देखते क्या करे। चलो 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 हरी आप ऊपर ही आ गई, हम तो आपके पास ही आ रहे थे, क्या मसला हुआ जल्दी आओ। बादल भाई मामा जो ग्लास का नया सेट लाई थी ना वो में से उसमें से एक ग्लास टूट गया। क्या? बादल भाई तो मामा भी आ गई हैं। क्या अब क्या करें? अरे हम आपको कुछ नहीं आने देंगे, हम आपके साथ हैं। आप फिक्र मत करो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपनी बहन के ऊपर इल्जाम नहीं आने दूंगी। चलो हरी मेरे साथ। नहीं मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता, मैं उसका साथ दूंगा, मैं भी जाता हूँ। ये बताएंगे जरा ये गिलास किसने तोड़ा? गिलास किसने तोड़ा? भाई मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो बच्चों से पूछो ना अपने, जिन्होंने सुबह से उधम मचाया हुआ था। सुबह से उधम मचाया वो बेचारे तो ऊपर है, नीचे तो आप ही बैठे हो। मैं नीचे बैठा हूँ तो इसको क्या मतलब है कि मैंने तोड़ा है? बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उधम मचा रहे हैं, उनसे पता करें। अजीब बात है, अजब कह रहे हो आप तो। Mm-hmm.
सुबह से मेरा दिमाग खाया था इन लोगों ने, अब पता चलेगा इनको, मामा करेगी ना सीधा, सबको पता लग जाएगा। बोलो भी। वो मामा हम लोग बता देते हैं, लेकिन आप कुछ कहेंगे तो नहीं? कुछ कहना ना प्लीज। मैंने कहा सिर्फ मुझे ये बताओ कि किसने तोड़ा है। वो बाहर है। क्या? नहीं मामा, वो बाबा हम बताना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि मामा ने हमें बहुत फोर्स किया, ये बताना पड़ा। क्यों? हाँ जी। क्या पहले थोड़ा तुम लोगों ने छुपाया था, चोरी छुपे जमीनों में डाल दिया। मामा देखे ना, बाबा हमें डांट रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं बता रहे थे। चले ना जरा, कम से कम उसको साथ दे देना। हमने सही किया ना, और हाँ इसे झूठ मत समझना, ये तो बस एक छोटा सा प्रैंक था जो घर में चलता ही रहता है। बच्चे चलो, इससे पहले मामा का गुस्सा हम पे भी उतरे, ऊपर चलते हैं। बाय मामा। अरे बच्चों जाते जाते सच तो बोलते जाओ। फ्रेंड्स कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हम लोग भी यहाँ पर खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगी हमारी आज की फनी वीडियो? इसको आप लोगों ने इतना सीरियसली लेना कि हम लोगों ने बाबा से झूठ बोला, मामा से झूठ बोला, लेकिन बाबा के लिए झूठ नहीं बोला था, बल्कि वो एक प्रैंक था। और घर में छोटे मोटे चीजें चलती रहती हैं, लड़ाई झगड़े ये वो आपको भी जैसे के पता है, और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हमें ऐसी वीडियोस बनानी पड़ती हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह की और मजेदार सी फनी वीडियोस लेकर आएंगे हम आप लोगों के लिए, बस आपने हमारी वीडियोस को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यार अच्छा उड़ी उड़ी भैंस उड़ी उड़ी क्या कह दिया चिड़ी एकदम चिड़ी उड़ी उड़ी कबा उड़ा 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 तोता उड़ा। रुके रुके भाई, ये बात और भाई वो जो मामा नया सेट लाई थी ना गिलास का, उनमें से एक मेरे टूट गया। क्या? अरे उठो, अब तो मामा भी आ गए सोचा। हाँ बाज और भाई जल्दी से बाज और भाई जल्दी उठो तो बाज सुबह से मेरे मामा देखे ना जी बाबा हम बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मामा ने क्या वो बाबा क्या जी मामा वो बाबा हम बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मामा ने हमें बहुत फोर्स की। जल्दी बोलते हो कि नहीं? बाबा ने